अंदाजा कीजिए मैंने पहले कोटेशन दी कुरान और हदीस अब लफ्ज शरीयत भी आ गया उससे भी एक नीचे कदम उतर कर लफ्ज शरीय क्या इस्लाम पाकिस्तान का दस्तूर शरीयत के मुताबिक नहीं बनेगा जो लोग ये कह रहे हैं वो शरारती है, है और वो गलत कर रहे हैं इस एतबार से एक दिलचस्प जो कोटेशन है मैं देना चाहता हूं उन्नीस सौ छियालीस में बरतानिया की पार्लियामेंट का एक दस रुकनी वफद हिंदुस्तान आया था उसमें रॉबर्ट रिचर्ड उसके चेयरमैन थे एक रुकुम था मिस्टर सोरनसन उन्होंने वापस जाकर किताब लिखी माय इंप्रेशन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 1946 उसमें वो लफ्ज इस्तेमाल करता है कायदे आजम के लिए मिस्टर जिना इज द सोर्ड ऑफ इस्लाम रेस्टिंग इन ए सेक्युलर स्कैमर्ड मिस्टर जिना जो हैं वो तो इस्लाम की तलवार हैं हाँ नयाब जो है जिसके अंदर वो तलवार है उसमें कुछ सेकुलर रंग मौजूद है जाहिर बात है कि मौलवी नहीं थे दाढ़ी नहीं थी मजहबी और उनसर जो है उनकी ज़िंदगी के अंदर नहीं थे और ये उनकी शख्सियत का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि अहम हिस्सा है उन्होंने कोई भी लिबादा नहीं ओढ़ा कि मुसलमानों के अंदर मैं मशहूर होने के लिए या मकबूल होने के लिए ये मसनू लिबादे ओढ़ लूँ वो अपनी सीरत किरदार के एतबार से बहुत मजबूत थे तो इस एतबार से यह लफ्ज जो है बहुत अहम है बहरहाल कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया और पाक कायद आजम के लेफ्टिनेंट कह लीजिए नाइब कह लीजिए उन्होंने पाकिस्तान में चंद ही महीने बाद कायद आजम के इंतकाल के बाद करारदाद मकासद पास करा के पाकिस्तान में निजाम खिलाफत की बुनियाद कायम कर दी

वो तो वाजिब तामील है उसकी तो इटात करनी है उसके अंदर अंदर खिलाफत का मामला होगा अमर होम शूरा बम बाकी मामला अपने मशवरे से तय कर लो हाँ जो वाज हुक्म अल्लाह का आ गया कुरान में जो वाज हुक्म रसूल का आ गया हदीस में वो लाजिम है उसको आप जो है उससे आप जो इधर उधर नहीं जा सकते ये खिलाफत है एंड दिस हैज हैजिन एबसोल्यूटली क्लियरली स्पेसिफाइड इन दब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कि हाकमियत अल्लाह की है और हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो एक अमानत है मुकद्दस अमानत सेक्रेट ट्रस्ट जो कि उन्हींदूदों के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे जो अल्लाह जो कुरान और सुन्नत में मुयन कर दिए गए देश खिलाफा एक आर्टिकल जो है वो दर हकीकत खिलाफत की बुनियाद के क्याम के लिए दस्तूर के अंदर काफी है बशर्त है कि जैसा कि मैं बाद में अर्ज करूंगा इसमें एक जुमला और होता जब ये टू ए के तौर पर लाए हैं जियाउल साहब अगर एक जुमले का इजाफा हो जाता कि इट विल टेक होल ये दफा पूरे दस्तूर पर हावी रहेगी तो फिर इसके बाद किसी दफा दो सौ सत्ताईस की जरूरत नहीं थी बल्कि ये उसके मुताबिक जो है यह पूरा का पूरा दस्तूर जो है वो इस्लामी बन जाता और खिलाफत का बन जाता अब आई अब जिगर थाम के बैठे मेरी बारी आई बारी तो बहुत देर से आई हुई है लेकिन अब जरा तल्ख हिस्सा है लियाकत अली खां की शहादत के बाद जो कहते हैं कि इसके बाद चिरागों में रोशनी न रही इस्लाम का वो खेल खत्म क्या इसबाब थे कौन जिम्मेदार है ये एक अलहदा बहस होगी लेकिन बहस जिते मजमू पूरी कौम मुसलमान आने पाकिस्तान जिम्मेदार हैं, मुजरिम हैं। कि उसके बाद इस्लाम की तरफ कोई पेशरफ नहीं हो सकी। इस्लाम का निजाम ऑफ सोशल जस्टिस इक्वेलिटी एंड फ्रीडम कहां है आपको मालूम है कि सियासत और हुकूमत पर वो पूरा रंग जो है सेक्यूलरिज्म का वो छाया हुआ है और अब रोशन ख्याली के जरिए से उसमें जो नई डायमेंशन एड की जा रही है जो बात और आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है उसका हवाला माके सही दे चुके हैं और नंबर दो मीषत पर सूद सूद जिससे बढ़कर कोई गुनाह इस्लाम की रूह से नहीं है किसी गुनाह पर अल्लाह की तरफ से चैलेंज नहीं आया इस सूद के गुनाह पर चैलेंज है अगर बाज नहीं आते हो भी मिल मिल्ला है वह रसूल तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लाने जंग है तुम्हारे खिलाफ अल्टीमेटम और किसी के बारे में नहीं आया जिसके बारे में हुजूर की ये हदीस भी मौजूद है सुना अभी दाऊद में अब रेबा हुबन सूद के गुनाह के सत्तर हिस्से हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं उसमें सबसे हल्का इसके मसावी है उम्मू के हर रजुल उम्म के कोई शख्स अपनी मां के साथ जिरा करे ये सूद और जिसको मुफक्र है पाकिस्तान अलाबाल ने जो कहा अजरेबा आखिर चमी जायद फितन कसना दानद लजत कर्ज हसन इस सूद के बतन से क्या चीज पैदा होगी उल्ल खब है इससे तो खब ही वजूद में आएंगे फितने ही वजूद में आएंगे आज किसी को भी कर्ज हसन की जो नेमत है लज्जत है आपके पास को फाजल सरमाया है और किसी और की जरूरत है आप दे दे फिर वो वापस दे देगा आपको आपके अंदर जो अंदर जो कसनद आनंद लजत कर्ज हसन अजबा जातीरा दिलचू खिश्तो संग आदमी दरिंदा बेदनदानो चंग इस सूद के जरिए से इंसान का बातिन तारीख हो जाता है और दिल जो है पत्थर हो जाता है रोड़े और ईट की तरह पत्थर की तरह और वो अगर अगरचे भेड़िया नहीं होता बगैर उसके भेड़ियों के दांत नहीं है भेड़ियों का पंजा नहीं है लेकिन वो भेड़िया बन जाता वो सूद फक् पाकिस्तान खुद कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जब इसताह किया तो कहा है कि इस्लाम का एक नया निजाम आपको अब तैयार करना है इस मगरबी निजाम मीशत ने इंसान को खैर नहीं दिया भलाई नहीं दी है यह अल्फाज मौजूद है इनगरल जो सेशन हुआ है तो इजलास था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इस बैंकों के निजाम के बारे में जो तल तरीन हकीकत जहां तक इकबाल की निगाह पहुंची थी गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद उसके अल्फाज में आपको सुना रहा हूं इन इन चाला के यहूद, यह क्या है? पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड यहूदियों ने जो है इंग्लैंड में कायम किया उससे पहले यूरोप में भी सूद मुमान थी सूद की जब तक पोप का इकतदार था सूद वहां जायज नहीं था दोनों कमर्शियल भी और यूजनी भी दोनों पर लेकिन उन्होंने इसायत के टुकड़े किए इसमें जो एक प्रोटेस्टेंट मजहब पैदा किया उस प्रोटेस्टेंट मजहब का मरकज बन गया उसने बगावत की पोप से और पहला चर्च ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ पोप के खिलाफ और पहला बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम हुआ यहूदियों के जरिए से और फिर उसके जरिए से यहूदियों ने पूरे यूरोप को अपने तसलुत में लिया है जो 1905 से 1908 तक जब गए थे एक बाल यूरोप तो देखकर अपनी आंखों से आए कि फरंग की रगे जहा पंजये यहूद में फिक्र चाला के यूद नूर हक सीने, आज, आज सीने आदम इंसान के सीने में अल्लाह ने जो नूर रखा हुआ रूह रूह नूर है उसको निकाल बाहर किया खत्म हो गया अब वहां पर ताहोबाल गर्द दी निजाम जब तक ये निजाम जो बैंकिंग का है तहोबाला नहीं होता मलियामेट नहीं होता दानिशो तहजीब और दीन सौदाए खाम कहाँ की दानिश और कहाँ का दीन और कहाँ की तहजीब इकबाल कह रहा है इसको आपको मालूम होना चाहिए इकबाल की पहली इक पर थी। वो फलसफी वो हकीम वो दाना इंसान लेकिन इस माशी मसले को भी खूब जानता था अगली तरफ आइए, जरात पर जमींदारी लैंड लॉर्ड एबसेंट्री लैंडलॉर्ड का कब्जा है ये कौन से दौर की चीज है ये उस दौर की है जिसको इकबाल ने कहा कि यह दौरे मलूकियत की जो छाप इस्लाम पर पड़ गई है यह जागीरदारी एबसेंटिंड लॉडरिंग उस दौर की पैदावार है